आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैहिंद और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता तिगांव विधानसभा में संभावित उम्मीदवार वीना वशिष्ठ द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां कार्यकर्ता को संबोधित किया गया। इस मौके पर नवीन जैहिंद और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने भाजपा को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि पहले भाजपा जेब काट रही थी, लेकिन अब गर्दन भी काटने लगी है। आदमी पार्टी पुरजोर कोशिश के साथ तैयारी में लगी है हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा सीटों पे। आज तिगांव के अंदर हम आए हैं, वीना वशिष्ठ जी ने कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था। आम आदमी पार्टी हर क्षेत्र के अंदर कार्यकर्ताओं से बुला के पूछ रही है कि किसको हम चुनाव लड़ाएं, कौन जनता के साथ रहता है, कौन जनता के दुख दर्द के अंदर रहता है। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा का विकास भी दिल्ली की तर्ज पर हो, जिस प्रकार बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सा, सस्ता बिजली और पानी, जवानों के लिए, किसानों के लिए, हर क्षेत्र के लिए हमने दिल्ली के अंदर अनेकों योजनाएं बनाई हैं। महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया है, हर क्षेत्र के अंदर CCTV कैमरे लगाए हैं। हम ये चाहते हैं हरियाणा के लोगों को भी हम वर्ल्ड क्लास सिटीजन बनाएं, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा। फरीदाबाद को बर्बाद किया है भाजपा ने, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। और भाजपा को सबक सिखाने के लिए जनता आपकी बार तैयार है। पिछली बार फौज के नाम पर, सेना के नाम पर इन्होंने चुनाव जीत लिया था, लेकिन अगर आप फरीदाबाद की स्थिति देखोगे, ना तो रोड ठीक है, ना गलियां ठीक है, ना बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, हर चीज़ का सत्यानाश कर रखा है। और दिल्ली आपके नज़दीक है, इन चीज़ों की तुलना हम तो लोगों को यही कहेंगे, वो दिल्ली से करके देख लें। आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं। जहन जी, जिस तरह से केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का ये जो गोद लिया हुआ गाँव है तिलपत गाँव, और इसे कैंसर वाला गाँव भी कहा जाता है, बीजेपी वाले गोद लेंगे तो कैंसर होगा भाई सर। किस तरह का विकास हुआ ये तो आप विकास देखते हो, सत्यानाश होगा। जो जो जगह इन्होंने गोद ले रखी है, उस जगह का सत्यानाश हुआ है। कोई वहाँ पे विकास नहीं करवाया, विनाश करवाया है। और भाई साहब, ये तो लोगों को आँखें खोलनी पड़ेंगी। और अब तो ये गर्दन भी काटने लग गए, पहले तो जेब काटते थे, अब तो गर्दन काटो, मुख्यमंत्री है भाई, तो ये तो हरियाणा के लोगों को सोचना पड़ेगा। गर्दन काट रहे हैं ये बताओ, केंद्रीय राज्य मंत्री कहते हैं वो चींटी नहीं मार सकते तो गर्दन क्या काटेंगे। अरे अच्छी बात कर रहे हो, अरे जेब काट लिए, कह तो रहे हैं, सबने सुना तो है, चींटी नहीं मार सकते, क्या नहीं मार सकते। फरीदाबाद को बर्बाद करने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोटी चाहे करें, क्राइम का मामला हो, महिला सुरक्षा की बात हो या डेवलपमेंट। आज वीना जी को क्या आश्वासन देकर जा रहे हैं यहाँ से? हम आम आदमी पार्टी हर जगह जो जो भी कार्यकर्ता आज और भी फरीदाबाद में हुए हैं, अभी तो और प्रोग्राम है, जो भी कार्यकर्ता जिन्होंने भी अप्लाई किया है, उन सबको कार्यकर्ता सम्मेलन करवाने के लिए कहा गया। और कितनी टिकटें हैं जो अब बाकी हैं आम आदमी पार्टी की? 90 की 90 पार्टी भाई साहब। अभी आज भी कोई घोषणा की है? नहीं, आज अभी सम्मेलन है, सम्मेलन के बाद जो पार्टी के पास रिपोर्ट देंगे उसके साथ। नहीं, आज घोषणा नहीं। सुनने में आया था कि 3 फैदाबाद से पलवल से मिला के मेरा 3 टिकटों का घोषणा हो चुकी है। वो हो चुकी है ऑलरेडी, बड़खल से धर्मवीर बड़ाना हो चुके हैं, NIT से हरेंद्र भाटी हो चुके हैं, होटल से बल्लभगढ़ से, और होटल से जो है करण डागर हो चुके हैं। वो इसलिए कि वो एक एक मीटिंग पहले करवा चुके थे, उसके बाद फिर हमने सेकेंड मीटिंग की, उसमें वहाँ पे जाके उनकी घोषणा। ये तो पार्टी का निर्णय है, दावेदार वैसे इधर से तो मैं ही हूँ, और तो कोई है नहीं अभी, बाकी जो पार्टी का जो निर्णय होगा वही होगा। स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे आप देख रहे हो, हमारे यहाँ पे जो है गंदगी भी बहुत है, गंदगी का ढेर है, गाय यूँ चरती रहती है, गंदगी खाती रहती है, और बीमारियाँ देखो, यहाँ का पानी भी बहुत गंदा है, कैंसर होने लग रहा है यहाँ के पानी से, पानी पीने को नहीं है, और गंदगी हो गई, पानी की समस्या होगी, एजुकेशन भी ठीक नहीं है यहाँ पे, जगह जगह वो प्राइवेट कुकरमुत्ते की तरह खुले हुए हैं, और बच्चे ठीक से पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाती है यहाँ पे। तो हमारा तो यही है कि अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पे आ जाती है तो अच्छे से यहाँ पे अच्छे वाले सरकारी स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें अच्छी सुविधा होगी हर तरह की। तिलपत गांव जो है, केंद्र राज्य मंत्री और सांसद भी हैं फरीदाबाद से, उन्होंने गोद लिया हुआ है, क्या हालात हैं उसके? हाँ, तिलपत के लोग ही जानते हैं बेचारे, जब रोड 5 साल में भी रोड नहीं बन के तैयार हुआ था, अब लास्ट में जब इलेक्शन होने लगे तब इन्होंने कुछ बनाया है, लेकिन रास्ते में चलने के लिए नहीं है, फुटपाथ पे तो कुछ है ही नहीं, और जो रोड है वहाँ गाय बैठी रहती हैं,
और देख रहे हो आप जगह जगह गड्ढे छोड़े हुए हैं, रोज गाड़ियां टूटती रहती हैं, मैकेनिकों के पास पड़ी रहती हैं। कैंसर वाला गांव भी इसे कहा जाता है, ऐसा क्यों? इसलिए कहा जाता है कि जो पानी जो है वो बहुत गंदा है और कैंसर तो होगा ही, जो गंदा पानी पियेंगे लोग, पानी नहीं है स्वच्छ पीने के लिए, खरीद खरीद के लोग पी रहे हैं, उसके बाद भी कैंसर हो रहा है, पोल्यूशन ज़्यादा है यहाँ पे। जबकि सांसद साहब ने खुद गोद ले रखा है, लेकिन इसके बावजूद मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पर। कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे, गांव में कहने के लिए गोद ले रखा है, पंडितों को बहलाते रहते हैं, पंडितों को खुश करते हैं कि पंडितों का गाँव है, इसको गोद में बिठा लो। अब देखो पंडित गाँव कब गोद से नीचे उतरेंगे, पंडित को नीचे उतरना चाहिए गोद से। तो अगर पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है आने वाले समय में, टिकट देती है, तो कितनी तैयारी आपकी तरफ से रहेगी? मैं लगी हुई हूँ, लोगों के बीच में जा रही हूँ और अपनी बात रख रही हूँ, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा।